तो आज हम बनाएंगे आलू टिक्की चाट जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उबले हुए आलू ले लेंगे और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे ही हम सारे आलू को मैश कर देंगे, हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, जिंजर गार्लिक हम फ्रेश कूटा हुआ डालेंगे और कुछ ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से वन बाय वन करके इनकी टिक्की बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से टिक्की की शेप दे दें इसे। और कुछ ब्रेड क्रम्स रखे हैं मैंने यहाँ पे, उसमें हम इन्हें अच्छे से कवर कर लेंगे और इसके बाद जो है हम इन सारी टिक्कियों को फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। अब हम यहाँ पे छोले तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल हम गर्म होने देंगे। इसमें आधा कटा हुआ प्याज डाल दूंगी मैं। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ छोले डाल दिए हैं बॉईल किए हुए। और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी लगभग एक गिलास पानी और इसमें हम बॉईल आने देंगे अच्छे से। फुल फ्लेम पे हम इसे उबाल लेंगे अच्छे से और जैसे ही ये 5 मिनट उबल जाएगा हम हल्के से इसे चला के थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे अच्छे से और ये हमारे छोले डन हैं। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे और टिक्की जो है फ्रिज से निकाल के हम इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए वन बाय वन टिक्की जो है आराम से रखें और इन्हें अच्छे से फ्राई करें। गैस की फ्लेम जो है मीडियम स्लो रखें और टिक्की को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करते रहें। ये देखिए इस तरीके से पलटें, 2 से 3 बार पलटने में ही ये फ्राई हो जाती है अच्छे से। तो आप चाहें तो और भी ज़्यादा इसे क्रिस्पी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके का कलर आना चाहिए टिक्की में। ये देखिए तो हमारी टिक्की जो है फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 टिक्की ले रही हूँ और साथ में हम इसमें डाल देंगे छोले जो हमने तड़का लगाए थे जिन छोलों को। इसके बाद यहाँ पे मैं फेंटी हुई दही डाल दूंगी और डाल दूंगी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हरे धनिया की चटनी और इसके बाद थोड़ा सा हम प्याज डाल देंगे कटा हुआ, थोड़े से अनार डाल देंगे, थोड़ी सी मैं यहाँ पे सेव डाल रही हूँ और इसके ऊपर से हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारी आलू टिक्की चाट जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को अगर पसंद आए तो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।